भागलपुर में आयोजित जन स्वराज पार्टी की आधिकारिक कमेटी घोषणा कार्यक्रम में सम्मान के लिए पहले ही कार्यक्रम में आपस में जंग छिड़ गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जहां बिहार में परिवर्तन के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं भागलपुर में हो रही संगठन के पहले विस्तार कार्यक्रम में ही किचकिच हो गया है। जन स्वराज पार्टी में सम्मान के लिए भागलपुर में उस वक्त आपसी जंग छिड़ गया जब जन स्वराज पार्टी द्वारा भागलपुर के एक निज होटल में जन स्वराज पार्टी के संगठन का आधिकारिक घोषणा कार्यक्रम आयोजित था, जहां कई पार्टियां छोड़कर पर्यवेक्षक रूप में आए पूर्व मंत्री डॉक्टर मोनाजिर हसन सहित कई जिले से आए नेता और काफी संख्या में जन स्वराज से जुड़े लोग मौजूद थे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में हुई इस संगठन के आधिकारिक घोषणा होते ही जन स्वराज में शामिल अध्यक्ष संरक्षक सहित संगठन में कई शामिल सदस्यों का विरोध होना शुरू हो गया और कार्यक्रम में शामिल लोग दबी जुबान में स्थानीय लोगों को संगठन में शामिल नहीं किए जाने पर, दूर दराज के लोगों को जिले के ओहदे पद पर बैठाए जाने पर विरोध शुरू हो गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जहां बिहार की लड़ाई के साथ साथ युवाओं को जहां मान सम्मान की बात करते हैं, वहीं जन स्वराज पार्टी भागलपुर में अच्छी तरह तैयार भी नहीं हुई है कि सम्मान के लिए आपस में भिड़ंत हो गई। लोग जन स्वराज पार्टी में अपमानित महसूस करने लगा, जबकि कुछ लोग कार्यक्रम छोड़कर कार्यक्रम से भागने के लिए भी उतारू हो गए। आज जो हंगामा हुई, किस वजह से हंगामा हुई? देखिए, ये तो यानी कि संगठनिक घोषणा हो रहा था जिला का, तो हंगामा किसी प्रकार का नहीं था। मैंने ही कहा, मन संचालक की जानकारी के अभाव में जैसे मंच पर लोग बैठे रहते हैं, जब माल्यार्पण कार्यक्रम होता है तो वहाँ मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। अति कोनो रहे संगठन, कोई भी रहे, मैं सिस्टमेटिक ढंग से संगठन में काम करने में विश्वास करता हूँ कि जहाँ भी किसी भी पार्टी का या किसी भी संस्था का कार्यक्रम हो, वह सिस्टमेटिक ढंग से हो, उसमें मंच संचालक या जो भी लोग काम करते हैं वह पूरी जानकारी के साथ करें तो बेहतर होता है। कुछ लोगों ने हंगामा जो किया उनका भी सही सोच था, क्योंकि क्यों हंगामा क्यों कर रहे थे? इसलिए कि कोई भी चीज जब मंच पर हो तो सबका सम्मान होना चाहिए, न कि किसी का सम्मान करके किसी को सम्मान नहीं किया है, उसके लिए हंगामा किया गया। तो ये तो स्वाभाविक है, आप ये मंच पर रहे, आपका सम्मान हो दूसरे का नहीं हो। तातारपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात चर्चित दवा व्यवसायी के बेटे के हत्या मामले के बाद व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ डीएसपी एसडीओ की बैठक हुई। बैठक में रौनक को मौन श्रद्धांजलि दी गई। घटना को लेकर व्यवसायियों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही। जिस गली में हत्या हुई है वहां से पुलिस को कई बार शिकायत मिली कि यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन पुलिस बड़ी घटना के इंतजार में रही। इधर पुलिस ने दबाव के बाद पुलिस 7 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के 60 घंटे बाद भी अपराधी पुलिस की चंगुल से फरार है। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। व्यावसायिक संगठन की बैठक जो है भागलपुर के एसडीएम साहब और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ ये की गई है, और कुल मिलाकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंदर में इस केस का हम उद्घाटन कर देंगे, और जो भी अपराधी इस गतिविधि के अंदर में संदिग्ध में है उनकी पकड़ 2 दिन के अंदर में कर ली जाएगी। देखिए, जो भी घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, लगातार पुलिस प्रशासन उस पर लगी हुई है और हम लोग बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं मामले के उद्भेदन के, और आने वाले 1 से 2 दिनों में निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को अवगत करा देंगे। इसके अलावा जो आज सारे व्यापारी समुदाय के द्वारा एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो एक उन लोगों के द्वारा आज दुकान बंद रखी गई थी, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो उसी को फंक्शनल रखेंगे एज इट इज, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई है। मैं इनके उस फैसले को वेलकम करता हूँ जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से सभी व्यवसायी और अन्य जो भागलपुर के जो लोग हैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग इसका त्वरित गति से सफलतापूर्वक उद्बोधन करेंगे, और एक थोड़ा सा डर का माहौल बना है इसको आप लोग इससे निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और हम लोग लगातार जो भी कमियां हैं अभी हम लोग उसको हम लोग लगातार अपने मॉनिटरिंग के अंदर उसको दूर करेंगे। आप देख रहे हो पिछले 1.5 साल में शहर में इस तरह की घटना नहीं हुई है,
और पुलिस जो निरोधात्मक कार्रवाई करती है उसके माध्यम से भी अपराध नियंत्रण पे काफी अंकुश लगाए गए हैं। और जो भी घटनाएं हुई है पिछले डेढ़ साल में, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उनका उद्भेदन त्वरित गति से किया गया है और इस मामले में भी हमें बहुत क्लोज है और बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर और जो अपराधी है उसको बहुत जल्दी पकड़ा। बहुत जल्द सभी बिंदुओं का अनुसंधान हो रहा है, कई टीम काम कर रही है, बहुत जल्द हम लोग इसका विघटन करते हुए सारा रिजल्ट आपके सामने। लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं का भागलपुर के निजी होटल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कार्यकर्ताओं का बेहतर परफॉर्मेंस रहा उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आदेशानुसार यह कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हम लोगों के पार्टी का लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। आज के बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से खड़ा रहने के लिए कहा है, ताकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ 5 सीटों पर हमारी पार्टी ने अपना दावेदारी दिखाए और इस दावेदारी के साथ जीतकर हमारे 5 सांसद लोकसभा पहुंचे हैं। आज के इस बैठक में लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, आज सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हम लोग किए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम लोग के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के आदेशानुसार हर एक पूरे बिहार में जिस तरह से हम लोक जनशक्ति पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाई है, लोक जनशक्ति पार्टी ने बढ़ चढ़कर एनडीए गठबंधन का साथ निभाया है, उस दौरान जितने भी साथी हमारे मुख्य रूप से खटे हैं सभी साथी को आज एक प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग वो लोग का सम्मान बढ़ाए और जो है आगे इसी तरह आप 2025 में जो हम लोग का विधानसभा चुनाव होनी है उसमें भी आप बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई। कार्यकर्ता सम्मान समारोह बैठक थी जो कि पूरे जिले से जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ स्तर तक और सभी बड़े पदाधिकारी से छोटे पदाधिकारी तक आए हुए और सभी को लगभग 100 कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किए। सुल्तानगंज से देवघर तक कच्ची कांवरिया पथ का नजारा देखते ही बन रहा है। इस दौरान एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवर और शिव के अनोखे भक्त देखने को मिल रहा है। केदारनाथ आकार का कांवर लेकर पश्चिम बंगाल से सुल्तानगंज पहुंचे शिव भक्तों की टोली जो कच्ची कांवरिया पथ पर आकर्षण का केंद्र बन गया। शिव भक्तों की टोली ने अपने कंधे पर केदारनाथ मंदिर को उठाया है और सीने पर महादेव की तस्वीर छपा ली है। कच्ची कांवरिया पथ पर अन्य श्रद्धालु इस आकर्षक कांवर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कैसे करते हैं दोस्त लोग के साथ बैठ बैठ के हो जाता है, रात सुनते हैं हम लोग, उसमें सुन सुन के हो जाता है। महादेव को तो खुद से भी ज्यादा मानते हैं, मतलब महादेव के लिए सब कुछ है। पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत स्थित मरगंध धार में डूबने से शालिग्राम यादव के 18 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पिंटू यादव अपने गंगा के उस पार अपने बासा पर गए हुए थे, वापस आने के क्रम में तेज धार की चपेट में आने से गंगा में लापता हो गया। पिंटू यादव के डूबने की सूचना पूरे गांव में तेजी से फैल गई, जिससे गांव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। मुखिया प्रतिनिधि कुंदन यादव ने बताया कि पिंटू यादव का शव को गंगा जी में स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा खोजा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। कुंदन यादव ने बताया कि पिंटू यादव बासा से घोड़ी और सामान लेकर घर वापस आ रहा था जो गंगा जी के तेज धार में समा गया। वहीं घटना की सूचना पीरपैंती पुलिस, बीडीओ और अंचलाधिकारी को देते हुए एसडीआरएफ टीम भेजने की मांग मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा की गई है।